हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय विमलेश पूजा चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो ये वीडियो हैगा मेरा मंडे का। तो मंडे को ये मैंने थोड़ी बहुत कुछ मतलब क्लीनिंग किया था, दिवाली की क्लीनिंग नहीं, बस ऐसे ही घर की क्लीनिंग किया था। तो आप लोग देख सकते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब मैंने बेड वेड अभी डस्टिंग किया था थोड़ी सी, और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक मन कर रहा था मैं आज घर की क्लीनिंग कर लूँ, दिवाली की क्लीनिंग, लेकिन एक मन कर रहा था कि अभी रुक जाती हूँ, दो चार दिन के बाद ही करूँगी। लेकिन वही है ना, मन कभी कुछ कह रहा करने को, कभी कुछ कह रहा। तो उसके बाद मैं किचन का थोड़ी बहुत अपना डस्ट वगैरह साफ़ करके, किचन साफ़ कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर आ गई थी छोटे वाले बेड पे झाड़ने के लिए, मतलब बिस्तर झाड़ दूँगी। तो अभी सुबह ही लगाया था बिस्तर को, लेकिन उनके सभी के जाने के बाद मैं वापस से इसको थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी झाड़ के अच्छे से कपड़े से, और उसके बाद जो है इसको सेट करके लगा दूँगी। और मुझे बेड खोलना था थोड़ा सा, उसमें मुझे अपने बेटे के स्कूल की एक पैंट, फुल पैंट जो है वो निकालनी थी, तो वो भी खोलूँगी मैं। उससे पहले थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। और मन कर रहा था कि क्लीनिंग करने का, कि मैं दिवाली की क्लीनिंग कर लूँ, लेकिन फिर मैं सोचा चलो रहने देती हूँ, एक दो दिन के बाद करूँगी। अभी दिवाली को है कई दिन, तो एक ही रूम है, एक ही रूम में मुझे कितना दिन लगेगा क्लीनिंग करने में, इसलिए नहीं कर रही थी। फिर यहाँ पे आ गई थी ड्रेसिंग टेबल पे, तो बच्चे इतना ज़्यादा मतलब मैसी करके जाते हैं ड्रेसिंग टेबल, जो भी है मेरा कॉम्बो सुरैक और ड्रेसिंग टेबल मेरा एक ही है, और म्यूजिक सिस्टम भी इसी के ऊपर ही रखा होता है, तो ये कॉम्बो है मेरा। तो इसी के ऊपर मैंने अपना मेकअप का भी सामान रख देती हूँ थोड़ा बहुत जो होता है रेगुलर वाला। तो ये देखिए, बच्चे इतना ज़्यादा मैसी करके जाते हैं कि मुझे इसे रोज़ सेट करना पड़ता है, और दिन में दो बार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार करने से ठीक हो रहता है, दिन में दो बार करना पड़ता है मुझे। और गाड़ियों की आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना, गाड़ियों की आवाज़ तो ऐसी आती रहेगी क्योंकि मेन रोड पर घर हैगा इसीलिए। तो यहाँ पर आ गई हुई बेड जो है, पहले मैं बेड की क्लीनिंग कर रही थी, मतलब बिस्तर ठीक कर रही थी, उसके बाद मेरा दिमाग आया कि मैं ऋषभ की अपनी स्कूल की पैंट मुझे ढूंढनी थी, तो वही मैं बेड खोलने लगी। और खोला था सिर्फ पैंट निकालने के लिए, लेकिन क्या हो गया मेरे साथ, आप लोग देखते रहिए वीडियो में, आगे तक बने रहिएगा। और जो भी पहली बार वीडियो को वॉच करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल आइकन के साथ जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और प्लीज़ फुल वॉच किया करो, और थोड़ी बहुत वीडियो देख के स्किप करके वीडियो देखते हो तो भी वॉच टाइम मेरा कट जाता है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो प्लीज़ आप लोग वॉच टाइम मेरा बढ़ाइए और वीडियो को फुल वॉच किया करो, तो जिससे ये होगा कि अगर मेरी वीडियो फुल वॉच की जाएगी तो मैं भी आप सभी की फुल वॉच करके ही वीडियो देखा करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए बिस्तर मतलब बेड से कपड़े मैंने निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा दिमाग हो गया था ख़राब। बेड के अंदर डस्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं क्यों यहाँ पे ये जो कब्जे लगे होते हैं ना, जहाँ पे जिस साइड बीचों बीच में लोहे का वो लगा होता है जिससे बेड खोलना और बंद करना होता, तो वहाँ पर डस्ट उसके नीचे से आ गई थी बेड के अंदर। मैंने वैसे कपड़ा लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी डस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन वही है ना, जब कोई कपड़ा वगैरह हस्बैंड निकालते हैं तो उसे चादर को हटा दिया था, मतलब बेड के अंदर जो मैंने चादर बिछा रखी थी ऊपर से कपड़ों के ऊपर, तो वो हट चुका था, तो उसकी वजह से डस्ट जो है कपड़ों में लग चुका था। तो मुझे सारा बेड का कपड़ा अपना निकालना पड़ा, तो मैं इसको सारे कपड़ों को आज धोऊँगी। तो मुझे पूरा दिन लगा था इस कपड़ों को धोने में, तो सारा ये है कि मशीन में मेरे काफ़ी कपड़े अच्छे से मतलब धुल गए थे आसानी से, तो ये सारे कपड़े जितने भी मैंने निकाले हैं सारा धोऊंगी, उससे पहले जो है बेड की क्लीनिंग कर दूंगी। और जो है बेटे स्कूल ने मतलब छुट्टी कर हो रखी थी आज, उसका साइकिल ख़राब हो गई थी इसलिए वो स्कूल जा रहा था, लेकिन रास्ते से उसे वापस आना पड़ा था, तो बेटा था तो वो सारा जो है कपड़ा मेरा नीचे रख दिया। और ये देखिए सारे कपड़े धुल चुके हैं, कुछ कपड़े धुल चुके हैं, कुछ कपड़े धुलने में अभी लगे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ जगह मिली मैंने कपड़ों को डाल दिया सूखने के लिए, और जो नीचे रखे वो अभी धोने हैं कपड़े। तो ये देखिए यहाँ पे कपड़े धो के डाल रही हूँ, और मुझे पूरा टाइम मतलब मॉर्निंग के 9 बजे से मैं कपड़े 9-10 बजे से इसको मतलब मशीन को रेस्ट करना पड़ता था घंटे घंटे भर, तो इसीलिए मैं ना लगातार कपड़ों को नहीं धो पाई। अगर लगातार कपड़े धोती मशीन में तो सारा जो मशीन ख़राब होने का डर था, इसलिए मुझे रेस्ट करना था मशीन को देना था,
तो ये देखिए काफ़ी कपड़े धुल चुके हैं, बस ये जैकेट रह गई है और कंबल लगा रखा है, सारी चादरें मेरी धुली हुई है, तो ये दो रजाई और कंबल रहन दिया था, इसको मैं बाद में धोऊंगी। देख सकते हो हर जगह कपड़े कपड़े आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये सारे कपड़े मेरे धुले हुए हैं जो भी हैं, और ये कपड़े मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि ये कपड़े बिल्कुल साफ़ है, इसमें डस्ट नहीं लगा है। और ये सोफ़े के गद्दे हैं जो बेड के अंदर रखे हुए थे क्योंकि सोफ़े लगाए नहीं जाते हैं। तो ये देखिए कंबल धुल रहे हैं, इसमें दो कंबल हैं, मेरी मशीन में दो कंबल एक साथ आ जाते हैं तो वो भी धुल रहे हैं। और उसके बाद जो है ये रात के करीब 7:30 का टाइम हो चुका था, सारे कपड़े धुल के सूख चुके थे, तो मैं ऊपर लेकर आई थी इसको लगाए रखने के लिए बेड में, वापस से अच्छे से इसको रख दूँगी, सारी बेड शीट चद्दर कंबल और सर्दियों के जितने भी कपड़े हैं सारे फोल्ड कर कर के रख दूँगी। तो मेरी बेटी भी आ गई थी ट्यूशन से और बेटा भी था ही, तो सारे मिलके कपड़े को रख लूँगी। और खाना नहीं बना पाई मैं आज रात को क्योंकि सारा दिन काम करते करते थक गई थी। रात के अब देख सकते हो 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, अभी कपड़े मुझे सारे लगाने हैं, तो ये सारा फटाफट से मैं लगा दूंगी फोल्ड कर कर के, तो तय लगाने हैं कपड़ों को, उसके बाद सारे कपड़े लगाऊंगी। और देख सकते हो सारे लगा रही हूँ कपड़े। तो फ्रेंड्स सारे कपड़े रखते रखते टाइम हो चुका था 8:30 का, खाने का टाइम हो चुका, तो मैंने सुबह मॉर्निंग में मटर की सब्ज़ी बनाई थी, जो सूखे मटर होते हैं चाट वाले उसकी सब्ज़ी बनाई थी, तो वो सब्ज़ी रखी हुई थी पूरा डोंगा भरा हुआ था। तो मैंने समोसे हस्बैंड को बोल के मंगवा लिए थे, समोसे और आज छोले और समोसे समझ लो हमारा हो जाएगा चाट। तो रात को आज हम छोले समोसे खा के गुजारा करेंगे क्योंकि रोटी बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी कि मैं खाना बना लूँ, तो बस सब्ज़ी रखी हुई थी और छोले समोसे आज रात को हम लोग छोले समोसे खाएंगे। और खाना भी मतलब सब्जी रखी हुई है, अगर चाहे तो रोटी भी बना लेंगे, लेकिन बच्चों का भी मन नहीं था खाने का कुछ भी, तो बस यही आज रात का हमारा खाना हो जाएगा। तो आप सब भी आ जाइए छोले समोसे एंजॉय कर लीजिए हमारे साथ। और बस हस्बैंड जी लेटे हुए हैं काम से आ गए थे वो भी, तो उनको भी दे दिया है छोले समोसे खाएंगे, और मूली भी है साथ में, मूली को कद्दूकस करके ना छोले समोसे में डाल के खाओ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए चटनी छोले समोसे सारा कुछ प्लेट में लग चुका है, तो आप सब भी आ जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।